मैनपुरी से यह बड़ी खबर। मैनपुरी के ग्राम जोगा में पुलिस पर हमला। थाना देवर के नवीगंज चौकी पर तैनात 3 सिपाही घायल हुए हैं। अवैध शराब की सूचना पर पहुंची थी पुलिस तबीश देने, लेकिन उसी दौरान पुलिस पर हमला कर दिया गया। जानलेवा हमला बोला गया। गांव वालों और पुलिस कर्मियों में जमकर मारपीट हुई। बड़ी खबर इस वक्त की मैनपुरी से। नवीगंज चौकी पर तैनात 3 सिपाही घायल हो गए इस मारपीट में। अवैध शराब की सूचना पर दबिश देने गई थी पुलिस कानपुर में। जैसे ही अवैध शराब को लेकर मामला सामने आया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद से लगातार प्रशासन चौकस है और सरकार की ओर से साफ तौर पर यह निर्देश आए हैं कि किसी भी तरीके से अवैध शराब का जो धंधा है वो पनपना नहीं चाहिए, उस पर क्रैक डाउन होना चाहिए। और इसी को लेकर यहां पुलिस पहुंची थी शराब माफिया के यहां दबिश देने, लेकिन गांव वालों के साथ पुलिस की मारपीट हुई, जिसमें 3 पुलिस वाले घायल हो गए। नवीगंज चौकी पर तैनात थे ये 3 सिपाही जो घायल हुए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अवैध शराब की सूचना पर दबिश देने पहुंची थी पुलिस, लेकिन यहां दबंगों ने अपनी चलाई। नदीम इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोनलाइन पर। नदीम, ये बताइए कि दरअसल पुलिस दबिश देने पहुंची थी, उनकी मुखालफत किसने की? गोरख धंधे में शामिल लोगों ने या गांव वालों ने? अगर मुखालफत की बात की जाए तो गोरख धंधे में लोग जो शामिल थे, जो एक पक्ष की तरफ से पुलिस ने दबिश देने गई थी, तो दूसरा पक्ष को जो खुशी का माहौल था कि आज इनके यहाँ दबिश हुई है तो हमारा तेल बढ़ जाएगी और ऐसे बंदी में हमारे इस कारोबार को तरक्की हो जाएगी, तो इसीलिए उन लोगों को मुखालफत थी, इसलिए ये पुलिस के ऊपर हमला कराया गया जानबूझ कर, जिससे की ये इन लोगों को कड़ी कार्रवाई हो जाएगी और दूसरे पक्ष को इसका लाभ मिल जाएगा। हालांकि इसमें पूरे मामले में 3 लोगों को पुलिस के गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल जिले की कई आला अधिकारी और काफी बड़ी मात्रा में पुलिस बल गांव में मौजूद है और गांव को इस समय जो है छावनी में तब्दील कर दिया है। कई लोगों को उठाया भी जा रहा है और ये वीडियो बयां कर रहे हैं कि गांव में इस समय स्थिति पुलिस ने क्या कर रखी है, ये देखने की बात है। बहुत शुक्रिया नदीम सिद्दीकी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।